रफत भाई एक बात बताइए कि आप हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, हमेशा आपको देखा गया है कि भाई आप गरीबों की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो ये जो आप बाबा पेट्रोल पंप पे जो कर रहे हैं, क्या है, किस तरीके से प्लान किया आपने? देखो, हमने बाबा पेट्रोल पंप का जो काम स्टार्ट किया था, तो इससे पहले लॉकडाउन जो हुआ था, लॉकडाउन के 3 दिन के बाद हमारे को समझ में आया था कि हालत बहुत ख़राब होगी, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यार खान फैमिली की तरफ से और मैं यार खान फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरी जो जितनी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को हमेशा आगे करती है काम के लिए, और मेरे पॉलिटिक्स में भी हमारी यार खान फैमिली का पूरा सपोर्ट है और मेरे फ्रेंड सर्कल का भी। और इसी के साथ जो है, हमने जब पूरा घूमे और पूरा माहौल देखे, हम लोगों ने जब ये माइग्रेंट लेबर जो आ रहे थे मजदूर, हमने कुछ दिन तक इनको खाना वगैरह रस्ते में दिया, लेकिन जब इनको छूट मिली घर पे जाने की, तो हम बोले खिलाने से और यहाँ रखने से फ़ायदा नहीं है। तो हमारी पूरी टीम ने उस पर मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद हमने औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब त्रिवेंद्र प्रसाद साहब का मैं बार बार शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने वैसा काम किया, तो उन्होंने हमको जो सपोर्ट करे, एक आप देख रहे हैं यहाँ पर हेल्थ टेस्ट सेंटर जो बना है, तो यहाँ पर बाबा पेट्रोल पंप के ऊपर, तो यहाँ से हमने हज़ारों की तादाद में घरों को लोगों को भेजा चुके हैं। हमको इस बात की खुशी है कि हमने डिसीज़न लिया, हमारी पूरी टीम ने डिसीज़न जो लिया, उसके बाद हज़ारों लोग घर पे जाके हमारे को दुआएं दिए, हमारे को फ़ोन करें, हर हाल यूपी से, बिहार से, जहाँ जहाँ पहुँचे, महाराष्ट्र से, दरभंगा से, तो ये लोगों ने जब इतनी खुशी इस बात की, अल्लाह ने हमारे से रमज़ान के मुबारक महीने में ये काम किया और अल्लाह ने हमारे को ये काम चुना, हमको जरिया बनाया, ये सबसे बड़ी बात, हमारे ग्रुप को, हमारे टीम को, हमारे अहले खानदान को, हमारे फ्रेंड सर्कल, और मैं औरंगाबाद के नौजवानों को सलाम करता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं उनको बोलने की, यहाँ जितनी टीम काम कर रही है और हमारे को जो सपोर्ट कर रहे हो, हर लोग आके यहाँ पर आके जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ अभी आने वाली ईद की जो नमाज़ पढ़ेंगे, अपने अपने घरों में पढ़िए, आप अपने अभी पूरा रमज़ान मुबारक महीने की नमाज़ें अपने घर में अदा की, इसी तरीके से ईद की नमाज़ भी अपने घरों में पढ़िए, और सोशल डिस्टेंस का ये रखिए पूरा सिस्टम का, और इसी के साथ जो है ईद के जो गले मिलने का सिस्टम है, तो आप ज़रा एहतियात से मिलिए और ईद बनाइए अपने घरों में, फैमिली में। ये ऐसा साल आया है, पहली औकात अपन देख रहे हैं, अपने बचपने से मिलेगी ऐसा, आज मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ रहे, अपन ईदगाह में नहीं जा रहे, अल्लाह की तरफ की बात है, और मेरी यार खान फैमिली की तरफ से, मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ शहर औरंगाबाद को। खुदा हाफिज़।